हेलो मैकेनिक फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि देख सकते हो हमारे पास है पैशन, ठीक है, पैशन प्लस, और जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है। इसको हमने नया करवाया था, इंजन का पेंट करवाया था, हमने खुद किया था, बॉडी का पे भी पेंट हुआ था, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो बढ़िया तरीके से हमने पेंट किया और काउल वगैरह चेंज हुआ था, बहुत मतलब अच्छी तरीके से काम हुआ था, ठीक है। तो फाइनली इसका बॉल रेसर वगैरह जो है वो भी चेंज हुआ था, तो पता नहीं किस तरीके से कैसे ये जो है फाइनली मतलब इसमें एक दिक्कत आया, ठीक है। मतलब इसमें एक दिक्कत आया, क्या दिक्कत आया, जो हैंडल है ना, हैंडल में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है गड्ढे पे पड़ने पे, ठीक है, ब्रेक मारने पे काफ़ी ज़्यादा हैंडल हिलने लग रहा है, ठीक है। तो इसका क्या सलूशन है, मतलब एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या हो गया, जैसे कि ये जैसे कि देख सकते हो टी है, तो ये फाइनली क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थ्रेड देख सकते हो ना, ये खराब हो चुका है। मतलब देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पैच है, मतलब जो गुना है ना, पूरा खराब हो चुका है, देख सकते हो फ्रेंड्स, देखिए, समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसके चलते क्या हो रहा है, जो ऊपर का टॉप नॉट है ना, ये जो टॉप नॉट है, ये क्या हो रहा है, टाइट नहीं हो रहा, ठीक है। और ऊपर से जो अपना ये चेक नॉट होता है, ये ढीला हो जा रहा है बार बार, तो क्या हो रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि ये देख सकते हो। दोबारा देखिए, ये क्या हो रहा है, टाइट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हम इसको टाइट करने की कोशिश करेंगे और जो कि प्रॉपर तरीके से काम अपना बन जाए, जैसे कि होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से क्या क्या करना होता है। जैसे कि हम इसको पहले खराद में ले जाएंगे, ठीक है, खराद वाले के पास ले जाएंगे और ये काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता, पर इसको चेंज करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं होता। तो इसको हम नया करवाएंगे और इसका जो थ्रेड है वो अच्छे से बन जाए, जो कि इसका जो थ्रेड देख सकते हो, ये मतलब सही है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी थ्रेड मतलब बिल्कुल सही है। और जब इसको मैं खोल रहा था, खोलने में भी काफ़ी दिक्कतें हुआ, जो कि ये जो थ्रेड है, थ्रेड जब ख़राब होगा तो खोलने में भी दिक्कत होता है। तो जैसे कि फाइनली खोल चुका है और इसका जो थ्रेड है ये भी काफ़ी बढ़िया है, अभी भी मतलब ख़राब नहीं हुआ। इसका जो होता है टेम्पर काफ़ी ज़्यादा होता है इस सब पैच का, ठीक है, जो थ्रेड होता है टेम्पर काफ़ी ज़्यादा होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, अच्छा है अभी। तो चलो इसको थ्रेड करवा के ले आते हैं, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ इस तरीके से क्या हुआ है, अपना सही से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, देख सकते हो कुछ इस तरीके से वेल्डिंग किया है, ठीक है, इसको वेल्डिंग किया देख सकते हो, उसके बाद इसको फिर जो पेच है पेच बनवाएगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से वेल्डिंग किया है और ये इसको निकल लेगा, क्योंकि ये अंदर ना दब जाए इस वजह से इसको लगाया गया, ठीक है। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, देख सकते हो हमने क्या क्या फाइनली इसको थ्रेड करवा के लेकर आया, और ये जैसे कि देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से अभी थ्रेड बन चुका है, ठीक है। और आप लोगों ने तो देखा ही है, जैसे कि वेल्डिंग करके इसका दोबारा थ्रेड बनवाया, और देखो अभी ये ऊपर तरीके से हो चुका है, मतलब ठीक है, पूरा थ्रेड देखो ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो चलिए इसको फिट करते हैं और उसको टाइट करके देखते हैं फाइनली टाइट होता है या नहीं। और फ्रेंड्स, इसको काफ़ी मतलब कस के टाइट नहीं देना, ठीक है, मतलब हल्के हाथ से टाइट देके रखना हमको, अगर कस के टाइट देंगे तो क्या होगा, ये छूट सकता है, क्योंकि इसमें वेल्डिंग किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कस के फिर कितना क्या होता है कम, चलिए फ्रेंड्स। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, देख सकते हो फाइनली हमने टाइट कर दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब ये टाइट जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हो रहा है, मतलब ठीक है, मतलब बिल्कुल कस के नहीं देना हमको, मतलब आराम से कसना है, ठीक है, बिल्कुल जोर नहीं लगाना, मतलब बिल्कुल आराम आराम से इसको कस देना है, जो कि अभी बढ़िया से कस भी चुका है। और जैसे कि मैं हैंडल का एक बार दिखा दूँ, जो कि प्लेपन जो है वो जैसे कि सही है, ठीक है,
और लूज वगैरह जो था वो भी नहीं रहेगा अभी, जो कि घट घट का एक आवाज आता था ना हैंडल से, वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपका गाड़ी में भी ऐसा दिक्कत कर रहा है तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, खराद वाले के पास ले जाके, या तो अब अगर मैकेनिक हो तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो बस काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अब बस आपको तसल्ली से टाइट करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, कुछ अगर सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।